परंतु वो चंदु को बच कैसे गया? तुम यही सोच रही हो ना कि मैं बच कैसे गया? इसमें जो विष था तुमने इसी हल्दी में मिलाया था ना जो मुझे लगने वाली थी? किंतु समय का चक्र देख नंदिनी, जो हल्दी तुमने मेरे पास भेजी थी वो पलट कर तेरे पास ही आ गई। जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खोदा था तुम उसमें स्वयं गिर गई। पर अब तुम यही सोच रही हो ना कि जब ये सब कुछ मुझे ज्ञात था तो फिर मैंने तुम्हें मरने क्यों नहीं दिया? क्यों मैंने अपनी सबसे बड़ी शत्रु की पुत्री को जीवित रखा? मुझे मारने के प्रयास के बाद भी क्यों बचाया मैंने उसे? क्यों? यही सोच रहे हो ना तुम? नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें कैसे मारूंगी। एक बार नहीं, बार बार प्रयास करूंगी मैं चंद्रगुप्त, जब तक मैं सफल नहीं हो जाती और तुम्हें मार नहीं देती। इस भांति मारूंगी मुझे? तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें जीवित क्यों रखा नंदिनी? क्योंकि तुम तब तक नहीं मरोगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी किसी दुर्घटना में मर जाओ और मैं वहां उपस्थित ना हूं। नहीं नंदिनी, मैं स्वयं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें मारूंगा, अपनी इन्हीं आंखों से तुम्हें मरता देखूंगा। इसीलिए ये हल्दी यहां लाया हूं। देखो, तुमने प्रयास किया और तुम असफल रही। अब मेरी बारी। अब मैं इसी हल्दी को तुम्हें लगाऊंगा। नहीं हुआ मुझे। क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें इतनी सरलता से मार दूंगा? नहीं। यही कहते हैं ना कि जो हल्दी वर को लगती है उसी हल्दी को वधु को भी लगना चाहिए। तो आज ऐसा ही होगा। लगता है इस छुवन की जलन उस विष के जलन से कहीं अधिक है। तो अब इसी भांति जीवन भर तुम्हें जलना होगा। मैं जलाऊंगा तुम्हें और यह तुम्हारी नियति होगी। मुझसे विवाह करने के लिए तुमने हाँ कहा ना? तुम चाहती थी कि एक झटके में मुझे समाप्त कर दो, किंतु अब जीवन भर हर दिन क्षण क्षण भर मैं तुम्हें मारूंगा। इसी भांति, इसी तरह मेरी मां ने पीड़ा सही है तुम्हारे पिता के कारागार में। इसी भांति उसने बुरी मंशा से देखा है मेरी मां को, और अब मैं बुरी मंशा से तुम्हारे निकट आऊंगा, तुम्हें छूऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब तक तो मैं इस विवाह के लिए तैयार नहीं था, किंतु अब मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूंगा कि तुम्हारे कारण मेरे प्रतिशोध मेरे प्रतिकार के लिए मुझे विवाह से अच्छा और आनंद रास्ता नहीं मिल सकता। जानते हो कि मैंने तुम्हें जीवित क्यों रखा नंदिनी?
क्योंकि तुम तब तक नहीं मरोगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा। मैं स्वयं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें मारूंगा, अपनी इन्हीं आंखों से तुम्हें मरता देखूंगा। लगता है सुमन की जलन उस विष के जलन से कहीं अधिक है, तो अब इसी भांति जीवन भर तुम्हें जलना होगा। मैं जलाऊंगा तुम्हें। ये समय वस्तुएं तोड़ने का नहीं नंदिनी, बल्कि टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने का है। सोचो, चंद्रगुप्त के स्थान पर वो विष मिली हुई हल्दी तुम्हारे तक पहुंची। कौन है वो जो ये जानता था, जिसने हल्दी बदली? सोचो नंदिनी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।